सभी को नमस्कार। ECF की मैराथन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके वाले पेपर में जनरल साइंस में जो एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट्स यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी में होने वाले परिवर्तन और उनके प्रभाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा पूरा टॉपिक जिसमें प्रदूषण वगैरह अलग अलग टॉपिक्स हैं, प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब कवर करते हुए चलें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। भारत में वायु गुणता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना में किन गैसों को शामिल किया जाता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अभी हाल ही में हमने देखा था कोरोना के टाइम में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था काफ़ी सुधरा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बार हमने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा कि जब सारे बड़े जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह बंद थी, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ का सबका बहुत कम आया। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को 2014 में 2014 में लॉन्च किया गया था। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे किसी भी शहर के वातावरण में वायु में उपस्थित प्रदूषक पदार्थों की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम किस किस ऐसे पदार्थों की मात्रा की गणना करते हैं, तो ध्यान देना, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। ये पार्टिकुलेट मैटर क्या है? ऐसे छोटे छोटे कण जो कि वायु में निलंबित रहते हैं, उनके कणों के आकार के आधार पर, जैसे 2.5 की बात करूं तो इन कणों का आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। सेम ऐसे ही PM 10 और भी अगर मैं बात करूं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये टोटल 8 ऐसे प्रदूषक हैं जिनके स्तर के आधार पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखें कि किन गैसों को शामिल किया गया है इसमें। तो ये जो 8 है आपके सामने, देखें, PM 2.5, PM 10, PM बोले तो पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर ये ओजोन तो वो पराबैंगनी विकिरणों को रोकने वाली, तो सुनना, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन गैस की परत है, ओजोन परत जिसे कहते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। वो पराबैंगनी विकिरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। लेकिन हमारे वायुमंडल की निचली परतों में उपस्थित ओजोन हानिकारक होती है। खैर, इन तीनों के आधार पर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित किया गया है। जैसे मैं बात करूं, जैसे जैसे AQI बढ़ता है ना, यानी AQI ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि प्रदूषण का स्तर भी क्या है? ज़्यादा है। प्रदूषण स्तर ज्यादा है, ऊपर वाला तीर, इसका मतलब क्या हो गया? अधिक है। जैसे बात करें, सबसे बेस्ट होता है 0 से 50, ये सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। फिर जैसे देखते हैं 51 से 100, फिर आगे 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400 और 401 से 500, ये अलग अलग स्तर निर्धारित किए गए। जैसे कल रात को ही मैंने AQI देखा था, कोलकाता का 306 था, कल रात के करीब 10:30 के आसपास। आप भी इनको चेक कर सकते हैं जहाँ पर भी आप हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप अपने शहर का चेक कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाएगा मतलब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी गैसें, देखें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस नहीं है। अब क्या होता है कई बार हम देखते हैं कि यार मीथेन भी तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है तो शायद ये भी इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में आती होगी, लेकिन ये केवल ध्यान रखना ये केवल 8 जो इधर मैंने आपको गैस या तत्व जिस तरह से लिखा है लेड भी प्रदूषक है, तो ये 3 तो सही है। और ऐसा ऑप्शन मुझे ऐसा कूट केवल एक ही दिख रहा है कि केवल 2, 3, 4 यानी ये ऑप्शन बी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और उनके प्रभाव। वैसे तो देखते हैं एनवायरनमेंट अपन ज्योग्राफी में भी काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन जनरल साइंस वाले पेपर में भी आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल चेंजेस और उनके प्रभाव दे रखे हैं अपने फर्स्ट पेपर में। चलें आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात करें, कईयों में आपको कईयों को आंसर पता भी होगा, देखते हैं अपन है क्या इसकी चर्चा करते हैं। बीओडी की बात करूं मैं तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम बात करें वाटर इकोसिस्टम में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं कि जब जब प्रदूषण होता है यानी कोई भी प्रदूषक पदार्थ आ गया और खासतौर से यहाँ पर जब भी कोई जैविक या अजैविक कचरा आ जाए, जैसे कई बार क्या होता है नदी नालों के साथ बहकर कई रासायनिक पदार्थ जलाशय में पहुँच जाते हैं। अब जलाशय में पहुँचने पर क्या होगा, उनमें जो भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है, ऐसे पदार्थ कई जीवों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। जैसे मैं बात करूं खेती या कृषि के कार्यों में कई ऐसे खाद वगैरह होते हैं उर्वरक जो जल में घुलकर किसी जलाशय में पहुंच गए, तालाब झील वगैरह में पहुंच गए। अब ये पदार्थ जो होते हैं ये कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। जैसे मैं बात करूं शैवाल या एल्गी की बात करें, ये एल्गी या शैवाल की वृद्धि को प्रेरित करेंगे। और इस शैवाल की भाई वैसे तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन इसकी सबसे खराब बात क्या, ये देखो ये किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अगर ये वृद्धि करता है बहुत तेजी से वृद्धि करता है, और इस तेजी से वृद्धि को हम कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम कहते हैं इसे। कई बार हम देखते हैं ठहरे हुए पानी पर वो हरी हरी सी जो काई जमी हुई होती है, इसे शैवाल कहते हैं। इसकी सबसे खराब बात क्या है कि ये उस जलीय तंत्र में जिस भी जलाशय में उसमें पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी अपने लिए यूटिलाइज कर लेगा। और जब ये सारी ऑक्सीजन खुद के लिए यूटिलाइज करेगा तो इससे क्या होगा, दूसरे जीव जैसे हैं उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। जैसे बात करूं मछलियों को भी तो शोषण करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जब जल में घुलित ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऐसे में मछलियां मरने लगती है, जीव जंतु मरने लगेंगे, पूरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र खराब हो जाएगा और वहाँ पर प्रदूषण बढ़ने लगेगा। तो अब यहाँ पर एक बात देखना कि जैसे ही शैवाल प्रस्फुटन हुआ ये क्या करता है कि ये जल में घुली हुई O2 का तीव्र गति से उपभोग करेगा, तीव्र गति से उपभोग करेगा, तीव्र गति से उपभोग करेगा। तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, जल में घुलित O2 की मात्रा में कमी देखते हैं, और जब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई तो अब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने पर अब क्या होगा, उस जलीय परिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन की जो डिमांड थी, भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई का। जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ जब ऑक्सीजन कम हो गई है तो अब यहाँ O2 की डिमांड जो है या O2 की मांग जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर मैं इसकी परिभाषा दूं कि भाई इसको तथ्यों के साथ परिभाषित करें तो सुनना, जल में मिलीग्राम में, ठीक है, मिलीग्राम में काउंट करते हैं, मिलीग्राम में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जिसका उपयोग कर सूक्ष्म जीव पांच दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करे। यानी देखना परिभाषा, यानी अगर पूरा अपन टेक्निकल बात करें इसकी कि परिभाषा क्या है, तो ऑक्सीजन की वो मात्रा मिलीग्राम में तय करते, मिलीग्राम में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी और कितनी किस चीज़ के लिए डिमांड, क्योंकि उस जल में सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो ऐसे रासायनिक कचरे का निस्तारण कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की वो रिक्वायर्ड अमाउंट या आवश्यक मात्रा जिसका उपभोग कर ये सूक्ष्म जीव 5 दिन के लिए 1 लीटर जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर हो, उसमें ऐसे कार्बनिक पदार्थों का पूरा अपघटन कर दे, वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाएगी, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखते हैं ऑप्शन में 1 पारिस्थितिक तंत्रों में O2 स्तर के मापन में, रक्त में O2 स्तर के मापन में, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में O2 के स्तर के मापन में। तो आंसर क्या जाएगा, अब कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन में आंसर हो जाएगा C। अच्छा, एक और यहाँ पर B ऑप्शन के लिए एक मैं चर्चा करता हूँ थोड़ी सी। ऑप्शन B रक्त O2 स्तर के मापन में, हाल ही में ये बहुत चर्चा में रहा। कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ऑक्सीमीटर से नापते हैं, जब ऑक्सीमीटर के द्वारा इस O2 का लेवल कम होने लग जाता है यानी पेशेंट की हालत ख़राब है, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शंस को भी ध्यान रखा करो कई बार। चलें आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, जलीय तंत्रों में सुपोषण में जलीय जंतु किसकी कमी से मरने लगते हैं। अभी जस्ट जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब शैवाल प्रस्फुटन होता है, एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम से जल में घुलित ऑक्सीजन की, जल में घुलित O2 की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ये हमने बात की थी, इससे बीओडी बढ़ जाता है। लेकिन बात यह आई कि ये जो शैवाल यहाँ पर ग्रोथ क्यों की, इसने क्यों इतना शैवाल या एल्गल ब्लूम यहाँ पर बढ़ा, तो बात करें शैवाल प्रस्फुटन या एल्गल ब्लूम की बात करें तो ध्यान देना, इसके लिए जो ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे रासायनिक पदार्थ जलाशय में पहुंच गए, रासायनिक पदार्थ जब जलाशय में पहुंच गए तो उन्होंने क्या किया, इस शैवाल की वृद्धि को प्रेरित किया। और ये जब ऐसे पदार्थ जो जलाशय में पहुंचकर शैवाल की वृद्धि में सहायक होते हैं, ऐसे पदार्थ जब झील में मिलते हैं तो ऐसी झील सुपोषित झील कहलाती है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। कई बार होता है जैसे अपन कृषि या घरेलू अपशिष्ट जलाशय में बिना उनको ट्रीट किए छोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही उस जलाशय में गए वहाँ पर ये पदार्थ शैवाल जैसे जीवों के लिए पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना, सुपोषित झील, लेकिन ध्यान रखना सुपोषित झील प्रदूषण को दर्शाती है। वो हमारे लिए सुपोषित नहीं है, वो शैवाल के लिए सुपोषित है। और शैवाल की वृद्धि होगी, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी होगी, बीओडी बढ़ जाएगा। तो जब झील में इस तरह से रासायनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पहुंचते हैं तो ये शैवालों की वृद्धि को प्रेरित करेंगे और ऐसी झील को क्या कहते हैं, सुपोषित झील। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो पूछा है जब यूट्रोफिकेशन होता है तो ये जलीय जंतु किसकी कमी से मरने लग जाएंगे, दूसरे जीवों के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी, सारी ऑक्सीजन तो ये खींच लेगा। तो आंसर हम देखते हैं किसकी कमी हो जाती है, O2 ऑक्सीजन की। अच्छा, एक बीच में अभी मैंने कमेंट और देखा, पिछले क्वेश्चन बीओडी से रिलेटेड कईयों ने डिमांड की सर सीओडी क्या होता है। तो सीओडी की बात करें, वो कैश ऑन डिलीवरी यानी वो फ्लिपकार्ट वाला सीओडी नहीं है। ये सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी किसी भी जलाशय में अपचायक पदार्थों को हटाने के लिए, कई बार प्रदूषक पदार्थों के रूप में अपचायक पदार्थ होते हैं, तो उन अपचायक पदार्थों को पूरा हटाकर उनको ऑक्सीकृत करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें फिर। सभी को गुड मॉर्निंग। ध्यान रखना ECF की जो मैराथन क्लास दिन भर चलेगी, इसमें आपके जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में कवर करते हुए पूरा एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है। चलें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में SO2 के प्रदूषण का सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड। AQI में जस्ट बात करके आए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण में इसको काउंट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, चलें आगे बात करते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपन ने जैसे बात की, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं, बीच बीच में मैं आपके कमेंट्स पर ध्यान देता रहूंगा, लेकिन चलें अभी यहाँ तो बात करते हैं अपन। पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक कौन है, देखते हैं आंसर। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आपके देखते रहेंगे। चलो देखें, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। अब ध्यान रखना लाइकेन क्या है। ये लाइकेन की अगर मैं बात करूं, लाइकेन में दो घटक होते हैं, एक शैवाल एल्गी और एक होता है कवक फंजाई। दोनों के बीच सहजीवी संबंध होता है। भाई दोनों सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, सिंबायोटिक रिलेशन। और इनका रिलेशन अमेजिंगली पति पत्नी का संबंध कहलाता है। क्यों भाई, हालांकि आज का टाइम ऐसा नहीं है, नहीं मैं ऐसे किस चीज़ का सपोर्टर हूँ या किसी का विरोधी नहीं हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इसे लाइकेन को काफ़ी टाइम पहले इससे पति पत्नी का संबंध क्यों कहा, क्योंकि ध्यान रखना एक ट्रेडिशनली रूप में बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना इससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सबकी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। महिलाओं का काम क्या होता है, खाना तैयार करना। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं एग्जाम नहीं देंगी और महिलाएं सेलेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो महिलाओं का काम क्या होता है, घर में खाना बनाना, भोजन बनाना। और पुरुष का काम क्या होता है, परिवार की सुरक्षा करना, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही संबंध है। देखो शैवाल क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ये भोजन निर्माण करते हैं, खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। और कवक जो होता है ये सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों का सहजीवी संबंध है लाइकेन, ठीक है। तो पत्नी तो कौन हो गया शैवाल, पति कौन हो गया कवक। चलो इसके बाद भी अगर हम बात करें, ये लाइकेन की सबसे अच्छी खासियत क्या है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रदूषण होता है सल्फर का वायु में, वहाँ पर इनकी वृद्धि नहीं होती है। तो वे स्थान जहाँ पर हम लाइकेन नहीं देखते हैं, अगर वहाँ प्रदूषण है तो निश्चित रूप से उस वायु प्रदूषण में सल्फर का प्रदूषण होगा ही होगा। ठीक है, एल्गी, अच्छा एल्गी तो कहते हैं शैवाल को, फंजाई कहते हैं कवक को, फंजाई फफूंद। भाई कवक क्या है, जो अपन नॉर्मली अभी बारिश का इतना मौसम है जहाँ देखो फफूंद है। अगर जैसे कईयों की आदत होती है सोते सोते बस लार गिरती रहती है, तकिए पे गिरती रहती है, उनके तकिए भी उठाकर देखो, पूरे तकिए पर आपको काले काले डॉट से दिखेंगे। या फिर और भी बात छोड़ो, इतना किसी के डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार जैसे अपनी रोटी वगैरह होती है या अचार पर वो फफूंद सी लग जाती है ना, सफ़ेद सफ़ेद, उसे ही कवक कहते हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ अपन पर्यावरण की क्लास नहीं ले रहे, अपन जनरल साइंस में जो पर्यावरण वाला टॉपिक है केवल वो, उसकी बात कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक कौन है? लाइकेन। और लाइकेन क्या है, इनका सहजीवी संबंध है। ये सल्फर के प्रदूषण में वृद्धि नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आंसर क्वेश्चन सिनर्जिज्म दर्शाते हैं, थोड़ा सा नया शब्द है बट समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे लिए हानिकारक गैस है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हानिकारक है। ठीक है, ये हमारे लिए हानिकारक है, या सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी हानिकारक है हमारे। तो जब कोई प्रदूषक पदार्थ जिस अवस्था में उत्सर्जित हुआ है उसी अवस्था में अगर हानिकारक है, तो ऐसे प्रदूषक कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी दो प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं आपस में क्रिया कर लेते हैं और किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बात करूं पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट, जैसे मैं बात करूं एसिड रेन। अब एसिड रेन में क्या हुआ, देखो सुनना, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स थे, इन्होंने बारिश के जल के साथ क्रिया की और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया, जिससे बारिश के जल की पीएच 5.6 से कम हो गई। ऐसा बारिश का अम्लीय जल क्या कहलाता, अम्लीय वर्षा कहलाता। तो एक बात सुने, सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट अम्लीय वर्षा थोड़ी था। अम्लीय वर्षा तो कैसे हुआ कि जब ऐसे ये प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके किसी नए प्रदूषक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये ऐसे प्रदूषक पदार्थ कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं इनके। द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते थे। और ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक होते हैं ना, इनके प्रभाव ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो जब दो प्राथमिक प्रदूषक या कोई प्राथमिक प्रदूषक किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, और ऐसा पदार्थ कहलाता है द्वितीयक प्रदूषक। और इन द्वितीयक प्रदूषक पदार्थों के जो हानिकारक प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके हानिकारक प्रभावों में वृद्धि, यही सिनर्जिज्म कहलाता है। तो हम देखते हैं डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको अब बैन कर दिया गया। कोई टाइम में मच्छरों को मारने की दवाई के रूप में प्रयोग करते थे इसका। तो जिस रूप में डीडीटी आता था, ये बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन दर्शाता था। यानी एक बार खाद्य श्रृंखला में एंटर कर गया तो अब धीरे धीरे हर पोषण स्तर पर इस डीडीटी की सांद्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती थी। तो जिस मात्रा में ये उत्सर्जित होता उसी मात्रा में प्रदूषण कर रहा है। यानी ये सिनर्जिज्म यानी द्वितीयक प्रदूषक होता तो सिनर्जिज्म की बात करते। कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों के धुएं से, जीवाश्म ईंधन जलाने से या कोई भी ऐसे पदार्थ को जब हम कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्रदूषक है। ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो अगर मैं बात करूं ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ओरिजिनल फॉर्म में ही तो प्रदूषण कर रही है। अगर मैं बात करूं फ्लाई ऐश की, फ्लाई ऐश क्या है? उड़ती हुई राख। जब अपन ऐसे जैविक पदार्थों को या कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं तो उनके धुएं में कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम फ्लाई ऐश कहते हैं। ये फ्लाई ऐश का आजकल उपयोग किया जाता है, फ्लाई ऐश का उपयोग करते हैं ईंटों के निर्माण में, और ऐसी ईंटें जो पर्यावरण के अनुकूलित हो यानी इको फ्रेंडली ईंटों का निर्माण करते हैं फ्लाई ऐश से। और सबसे लास्ट में बचा PAN। ये वो आपका पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, ये PAN जो इधर लिखा है ये क्या है? पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट। पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट। और इसका निर्माण कैसे होता है फिर? भाई द्वितीयक प्रदूषक तो है, इसका निर्माण कैसे हुआ? ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं वायु में, इन पर जब सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें गिरती हैं तो इन पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट्स का निर्माण होता है। और ये पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट जो है ये द्वितीयक प्रदूषक और इनके हानिकारक प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। सिनर्जिज्म यही तो है, अभी आपको बताया भी कि सिनर्जिज्म है क्या। तो जब ये द्वितीयक प्रदूषक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसे ही अपन सिनर्जिज्म कहते हैं। तो बात करते हैं आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट आंसर हो जाएगा। तो ये सिनर्जिज्म हमेशा ध्यान रखना, द्वितीयक प्रदूषक पदार्थों में जब प्रदूषण की क्षमता में वृद्धि हो जाती है तो उसे सिनर्जिज्म कहते हैं। आगे बात करते हैं तो ये आपके जैसे कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो सॉरी फिर एक बात ध्यान रखना कि अभी अपन ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे, जैसे बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट है तो अपने सब्जेक्ट की अपन बात नहीं कर रहे, अपन जीएस वाले पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैन पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट वेरी गुड। तो बाकी सारे ऑप्शन के बारे में अपन बात करते चल ही रहे हैं, ठीक है। नहीं वो पॉलीएक्राइलो नाइट्रेल नहीं है, नाइट्रेल वो पॉलीमर्स की बात है, वो पैन अलग है, ठीक है। ये पैन भी अलग होते हैं, वो पैन कार्ड भी होता है, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में 3R रूल से। भाई प्रदूषण जब अपन बात करते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिक परिवर्तन पर इनके जो प्रभाव देखते हैं तो वापस उनका मैनेजमेंट कैसे करें? भाई कचरा कम करो, सीधी सी बात है। अभी लॉकडाउन का टाइम था, इतना कम हुआ कचरा, इतना कम हुआ कचरा, उससे लगा कि मनुष्य घर में बैठे ही अच्छे हैं। पर्यावरण को अगर बचाना है तो ये मनुष्य घर में ही बैठा अच्छा लगता है। और ऐसी बात नहीं है कि घर में बैठ जाओ, बट हाँ चलो कोई बात नहीं, वेस्ट तो होगा ही। भारत में डेली रोज लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन इस कचरे को अपन अगर मैनेजमेंट कर लें, कई बार पढ़ते होंगे भी आप कि कचरे से बिजली बनाई, कचरे से सड़क बना ली, कचरे को रिसाइकल करके नए पदार्थों का निर्माण कर लिया, ठीक है ना। तो अब सुनना यहाँ पर, चलो ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आए देखें, बात करते हैं 3R रूल्स क्या है। इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज दी गई हैं, अलग अलग क्रियाएं कि भाई इस तरह से आप करोगे तो प्रदूषण कम हो सकता है। देखें वेस्ट मैनेजमेंट में अगर बात करें 3R में सबसे पहले R आता है रिड्यूस। जब पहला ही R बता दे तो बाकी तीन ऑप्शन ही गए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें पहला रिड्यूस है, ठीक है। तो सुनना, रिड्यूस यानी उपभोग को कम करें, उपभोग में कमी। भाई मानव की आवश्यकताएं जब जब बढ़ती है तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ गई, नगरीकरण हो रहा है, बस्तियां मुख्य शहर से बाहर स्थापित हो रही हैं और ऐसे स्थान जहां पर जंगल थे उन जंगलों को काटकर हम वहां पर मनुष्य की आबादी बसा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम उपभोग में कमी लाएं, ठीक है वो जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम हमारे उपभोग में कमी लाएं तो जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा वो कम होगा, कचरा कम निकलेगा। जैसे आप क्या बताते हैं, कई बार ऐसे देखते हैं कि ठीक है यार चलो पेन हटाओ यार, ये पेन रिफिल खत्म हो गई फेंको नया पेन लाएंगे, तो ऐसे में आप ये भी तो कर सकते हो रिफिल डाल लो यार उसमें, तो प्लास्टिक का कचरा जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल की बात की अपन। तो जब हम उपभोग में कमी लाएंगे तो पहला आपका मैनेजमेंट, ये वेस्ट मैनेजमेंट का पहला रूल है रिड्यूस। फिर देखते हैं रीयूज। अब देखो रीयूज का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आज से कई जगह अभी भी मिलती है, बाकी आज से 15 साल पीछे ले जाऊँ ना तो ये कोल्ड ड्रिंक जो आती है ना ठंडा, मतलब कोका कोला पेप्सी वगैरह जो भी, स्प्राइट ड्यू वगैरह, तो आज से 15 साल पहले ये प्लास्टिक की बॉटल्स वो बड़ी वाली पैकेट ही आते थे, बाकी वो एक कांच की बॉटल्स आती थी, उस कांच की बॉटल्स में वो भर के कोल्ड ड्रिंक आपको देते थे, आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते और खाली कांच की बोतल जब वापस उस शॉपकीपर को लुटाते थे तब वो जाकर 5 रुपए आपको वापस देता था। इसमें क्या हुआ देखो, रीयूज किया, वो खाली बोतल वापस बॉटलिंग प्लांट में जाती है, वहां पर वापस उसमें कोल्ड ड्रिंक भी भर दिया और उसको पैक कर दिया और वापस आ गई। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से कांच का कचरा कम हुआ, पहली बात रीयूज किया है, और जो प्लास्टिक वेस्ट था वो भी कम हुआ है। और प्लास्टिक तो आपको पता है कितना हानिकारक है, कई जगह पर इसको बैन करने की, इवन इंडिया में भी, हमारे भारत में भी प्लास्टिक को बैन करने की काफ़ी डिमांड की गई, ठीक है। तो अगर हम बात करें, चलें आपके कईयों के आंसर भी आया है ए, तो चलें अपना ऑप्शन वो ये रीयूज यानी पुनः उपयोग, और लास्ट में क्या आ जाता है रिसाइकल पुनः चक्रण। रिसाइकलिंग में जैसे सुनना, जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल स्क्रैप हो गई मान लिया, गाड़ी के मालिक ने इंश्योरेंस उठा लिया, नई गाड़ी लेकर वो तो चला गया, अब इस कबाड़ का क्या करें, इस कबाड़ की जाती है रिसाइकलिंग, यानी जो लोहा था जो भी मेटल था उसको वापस उस प्लांट में भेजा जाता है, लोहे वाले प्लांट में पिघलाया जाता है, फिर नई शीटों या नई संरचना में डाल देते हैं, रिसाइकलिंग। तो हमने देखा कि रिड्यूस, रीयूज और उसके बाद हो जाएगा रिसाइकल पुनः उपयोग, के बाद पुनः चक्रण हो जाएगा रिसाइकलिंग, साइकिल करते रहो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, आंसर विल बी ए। 3R रूल्स काफी एग्जाम्स में आया है, ध्यान रखें इसका भी, ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2009 में जापान द्वारा लॉन्च प्रथम सैटेलाइट जो ग्रीन हाउस गैसों की मॉनिटरिंग करता है। हाँ, इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपन बात करते रहेंगे, ठीक है। पुनः चक्रण, एग्जैक्टली ऑप्शन डी सेम नहीं है। देखो ऑप्शन डी में मैंने क्या किया था, एक बात वापस चलो इधर चलते हैं, ऑप्शन डी में सिक्वेंस देखो अलग है ना, तो यहाँ पर मैं आपसे इस क्वेश्चन में सिक्वेंस भी पूछ गया आपसे, ठीक है। सिक्वेंस का ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले आपके ऑप्शन आपके पास ये है रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिसाइकल। सबसे पहले तो आप अपना उपभोग ही कम करो, डायरेक्ट रिसाइकलिंग पर कहाँ आ रहे हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये सिक्वेंस का भी ध्यान रखना। चलें आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखें कि वर्ष 2009 में जापान द्वारा लॉन्च प्रथम सैटेलाइट जो ग्रीन हाउस गैसों की मॉनिटरिंग करता है। आंसर देखें तो आंसर है इबोकी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, ये इबोकी सैटेलाइट को 2009 में, जैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, 2009 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी जो गैसेज हैं, इन गैसों के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी जो निचली कक्षाएं हैं, हमने बात भी की थी कि ऐसी जो ऑर्बिट्स होती है जिनमें उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो उन कक्षाओं में जो लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं उनमें स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इबुकी, जापान द्वारा लॉन्च किया गया पहला ऐसा सैटेलाइट है जो ग्रीन हाउस गैसों की मॉनिटरिंग से संबंधित है। आगे बात करते हैं, काफी जनों ने आंसर दिया है बी, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, पॉलीब्लेंड क्या है? अगेन वो प्रदूषण से संबंधित पॉलीब्लेंड, इसका आंसर मैं जरूर आपसे चाहूंगा कि ये पॉलीब्लेंड क्या है। पॉलीब्लेंड, इनके बारे में बेंगलुरु के अहमद खान ने इसका निर्माण किया, अहमद खान। और है क्या ये भी पॉलीब्लेंड, बता देता हूं तो सुनना। अच्छा आंसर देख लूं एक बार, बी, ए बी, ध्यान देना, रिसाइकल्ड प्लास्टिक। एग्जैक्टली कईयों का आंसर आया भी। अब बता देता हूं है क्या, जो प्लास्टिक वेस्ट था, प्लास्टिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते, उनकी सहायता से ये पॉलीब्लेंड का निर्माण किया बेंगलुरु के अहमद खान ने। 1998 की बात है, स्टडी ये 1986 से ही कर रहे थे, लेकिन 1998 में इन्होंने इसका पॉलीब्लेंड का निर्माण किया। और ये जो पॉलीब्लेंड था, इस पॉलीब्लेंड को अगर हम बिटुमिनस, कोयले के चार प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, उसी सीक्वेंस में बोला है जिसकी सीक्वेंस में इनकी उत्कृष्टता है। ठीक है, सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, यहां पर मैं बात कर रहा हूं बिटुमिनस की। बिटुमिनस के साथ मिलाकर जो सड़क तैयार करने का मटेरियल तैयार किया गया, सड़क तैयार करने में प्रयुक्त, और ये सड़क ऐसी थी जिसकी ड्यूरेशन जो सामान्य सड़क होती है उससे बहुत ज़्यादा थी, पानी से भी आसानी से खराब होने वाली सड़क नहीं थी ये। तो पॉलीब्लेंड एक ऐसा मिश्रण था जिसमें क्या किया गया, प्लास्टिक को रिसाइकल करके इसका निर्माण किया गया। और जब इसको हमने बिटुमिन के साथ मिलाया तो सड़क तैयार करने में प्रयुक्त किया गया। और ऐसी सड़कें कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली सड़कें कहलाई। बताया किसने? अहमद खान ने इनके बारे में बताया। तो कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिसाइकल्ड प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेंगलुरु के अहमद खान, बिल्कुल सही कहा। रोड बनाने में काम आता है, वेरी गुड अहमद खान, यस। ठीक है, आगे बात करते हैं, वर्ष 1984 भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट ने किसके साथ क्रिया की? भाई ये तो कई बार अपन पढ़ते भी है कि 1984 भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी ना, यूनियन कार्बाइड, इस यूनियन कार्बाइड में जब गैस लीक हुई, कौन सी गैस लीक हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये मिथाइल आइसोसाइनेट ने क्रिया की थी जल के साथ, क्रिया की। और जल के साथ क्रिया करने में इसमें कार्बन के ऑक्साइड्स बने, मिथाइल एमीन बना, यूरिया के व्युत्पन्न बने, और वो पदार्थ ज़्यादा हानिकारक थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसने मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा एक और बात, अपन यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि ये यूनियन कार्बाइड में होता क्या था। कीटनाशक कार्बेरिल का निर्माण होता था इसमें, कीटनाशक कार्बेरिल। के निर्माण के लिए ये MIC का प्रयोग करते थे, लेकिन वो रात दिसंबर 1984 लीक हो गई। जिस चैम्बर में इसको स्टोर करके रखा गया था MIC, उसमें जल के साथ क्रिया होने से कई विषाक्त गैसें बनी, जिनकी वजह से हजारों लोग मर गए, लाखों लोग इसकी चपेट में आए थे। तो MIC ने क्रिया की थी जल के साथ, ध्यान रखना। आंसर है डी। ठीक है, और इसके साथ क्रिया करके मैंने बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, मिथाइल एमीन बना, यूरिया के व्युत्पन्न बने और वो हानिकारक थे। ठीक है, कार्बेरिल का निर्माण होता था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जिसके लिए इस कई बार अपन बात भी करते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस है, सीधा ऑप्शन आता था मिथाइल आइसोसाइनेट। अभी थोड़ा सा आगे पूछ लिया मैंने क्या कि मिथाइल आइसोसाइनेट ने एग्जैक्टली क्रिया किसके साथ की थी जिससे वो विषाक्त गैसें बनी। आगे बात करें, चलें आगे बात करते हैं। गलत युग्म का चयन करें। कभी कभी क्या होता है ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं उसमें चार ऑप्शन में आपको पूरा डिटेल पूछ लेते हैं, यानी आपको केवल यही पता नहीं होना चाहिए सही आंसर क्या गलत आंसर है तो वो क्यों है ये भी पता रहना चाहिए। देखते हैं, पहला जीवाश्म ईंधन का दहन, CO2 का उत्सर्जन। भाई जब मैं बात करता हूँ जीवाश्म ईंधन तो जीवाश्म ईंधन बोले तो फॉसिल फ्यूल, इसमें हम देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, भाई पेट्रोलियम पदार्थ में सब आ गए, डीजल, पेट्रोल, मोम, केरोसिन, बेंजीन सब आ गए। तो पेट्रोलियम पदार्थ और जैसे कोयले की बात करें, इनका जब दहन होता है, जलाते हैं, कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन क्या है, ये तो सही मैच किया कि जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो CO2 का उत्सर्जन होता है, सही बात है। आगे बात करें नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। नाभिकीय ऊर्जा यानी ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जिनके नाभिक अस्थायी होते, ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग हम करते हैं नाभिकीय बिजली घर में, एटॉमिक पावर स्टेशन में। किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। तो विद्युत उत्पादन के लिए हम नाभिकीय ऊर्जा का जब प्रयोग करते तो ऐसे में कई बार क्या होता है रेडियो एक्टिव कचरा या रेडियो एक्टिव प्रदूषण उत्पन्न होता है। जो ईंधन में अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट बच गए। उस नाभिकीय संयंत्र को जहाँ पर बिजली बनाई जा रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसे ठंडा करने के लिए जल का जब प्रयोग करते हैं तो उस जल में भी कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ आ जाते हैं। तो जब ऐसे प्राकृतिक स्रोतों में ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ आ जाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, नाभिकीय प्रदूषण, और ये क्या कहलाता है, नाभिकीय अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऑप्शन बी भी सही मैच किया हुआ है। सौर ऊर्जा, ग्रीन हाउस प्रभाव। एक बार मैं डी ऑप्शन पर भी जाता हूं, जैव भार का दहन, CO2 का उत्सर्जन। जैव भार या बायोमास की बात करूं तो इसमें जो जैविक अपशिष्ट होते, जैविक अपशिष्ट जैसे कृषि का जो कचरा बच गया वो, जंतुओं के मल मूत्र गोबर वगैरह की बात करें वो क्या है, जैव भार है। ऊर्जा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसकी एक कमी है कि जब इसको जलाते हैं क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है और जब कार्बनिक पदार्थों का दहन होता है तो CO2 का उत्सर्जन भी होता है। यानी ये ऑप्शन भी सही नहीं है, यानी ये मैच तो सही किया हुआ है तो गलत तो नहीं है। पूछा है हमसे गलत युग्म का चयन करें तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, ग्रीन हाउस प्रभाव। कैसे ये भी बता देता हूँ। देखो सौर ऊर्जा कभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती, लेकिन वो उसका स्रोत है। कैसे? जब ग्रीन हाउस गैसों का स्तर, ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जलवाष्प, जब इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है तो ऐसे में क्या होता है, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव को बिल्कुल सिंपल वे में अगर आपको समझना है ना, धूप में खड़ी हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, 4 व्हीलर में, उसके अंदर जाकर जब बैठते हो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है बाहर से, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, विकिरणें ज़्यादा हो गई थी। सेम ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, जब इसमें ऐसी प्रदूषक गैसों की अधिकता हो जाती है तो क्या होगा, इस पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहता है। और जब ये ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन में बदल जाता है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सौर विकिरण या सौर ऊर्जा ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो गलत युग्म कौन सा हो गया, सौर ऊर्जा और ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, वो उसका कारण नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि सही युग्म का चयन करें। पहले तो आपसे गलत पूछा, अब पूछ लिया कि सही युग्म बताओ जो करेक्टली मैच किया हुआ है। ठीक है, आगे बात करें, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग। तो सुनना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध ध्यान रखना LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, LMO। कई बार अपन देखते हैं जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन किसका उदाहरण है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हमने क्या किया, उसके आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके उसमें हमने कीटनाशक गुण उत्पन्न कर दिया उसमें। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो जैविक रूप से रूपांतरित जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हैं उनको हम कहते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनका सुरक्षित हस्तांतरण हो, जैसे मान लिया कि भारत में कोई ऐसे आनुवांशिकतया रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई फसल बनाई, अब जरूरी नहीं है कि वही फसल अमेरिका में भी वैसा ही काम करेगी, हो सकता है वहाँ के वातावरण में जाकर ये कुछ विपरीत प्रभाव दर्शाए। इसलिए हम देखते हैं ऐसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जब लेन देन करते हैं तो सुरक्षित हस्तांतरण होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिना कोई प्रोटोकॉल का फॉलो किए हुए उनको जस्ट एक दूसरे को बेच रहे। तो ऐसे सुरक्षित हस्तांतरण के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल बनाया गया। यानी कार्टाजेना प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, यानी ये तो गलत है। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है ये बताया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये क्योटो प्रोटोकॉल में हमने इसकी बात की थी। और हाँ, ये क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग, भाई ग्लोबल वार्मिंग भी किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट मैंने ग्लोबल वार्मिंग ना देकर क्या दिया है? जलवायु परिवर्तन। यानी सही ऑप्शन क्या है? ये बी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट की बात करूँ ना, जलवायु परिवर्तन में भी कौन सी परिघटना, तो उसमें आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन की बात करें तो जो नम भूमियाँ होती है, वेटलैंड्स होती हैं, वेटलैंड्स या नम भूमियों के संरक्षण के लिए इसका रामसर कन्वेंशन का गठन किया गया था। राजस्थान में नम भूमियाँ, जैसे हम बात करें घना पक्षी विहार, सांबर झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय बिजली घर में प्रयुक्त वैद्युत अवक्षेपित्र किसके उत्सर्जन का नियंत्रण करता है? इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। हमने जैसे देखा कि कोई चिमनी है, भाई चिमनी में से धुआं निकल रहा है, इस धुएं में कई छोटे छोटे कण होते हैं, कार्बन वगैरह या किसी अन्य पदार्थ के। तो इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है? ध्यान देना, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर को हम इस चिमनी के अंदर लगाते हैं, यहाँ पर वैद्युत अवक्षेपित्र। जब यहाँ से धुआं निकलेगा, ये धुआं जब यहाँ पर पहुंचेगा तो अब क्या होगा, ये वैद्युत अवक्षेपित्र इस धुएं में उपस्थित जो कण है ना, छोटे छोटे कण हैं, उन कणों पर घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न कर देता है। और इस विद्युत अवक्षेपित्र में आगे हम देखते हैं, जैसे इधर से मान लिया ये धनावेशित प्लेट है, यहाँ धनावेशित प्लेट लगा देंगे और इन पर मान लिया आवेश कैसा उत्पन्न हो गया, इन कणों पर ऋणावेश उत्पन्न कर दिया। तो ये जो धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं, ये विपरीत आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो जब ये विपरीत आवेशित कण इस प्लेट के पास से गुजरेंगे तो ये प्लेट इसको क्या कर लेगी, अपनी ओर खींच लेगी, चिपका लेगी। तो सारे जो कण थे वो तो यहीं के यहीं रह गए। अब जो धुआं निकलेगा, वो धुएं में देखेंगे हम ऐसे कण नहीं होते, धुआं तो होगा लेकिन इसमें इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर नहीं पाए जाते। जो ये धुएं में उपस्थित कण होते हैं ना, धुएं में उपस्थित कण, इन्हें क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट मैटर, पीएम। पार्टिकुलेट मैटर या पीएम, ये नहीं होंगे। तो देखते हैं SO2, SPM, कार्बन मोनोऑक्साइड और NOx का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, SPM। SPM का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मन में आ रहा होगा सर हमें फुल फॉर्म लिख के क्यों नहीं दिया, तो थोड़ा तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, शॉर्ट फॉर्म का भी, ठीक है। SPM बोले तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, SPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक इकाइयों में विनिर्मित होने वाले जो नैनो कण होते हैं वातावरण के लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं। नैनो कण, नैनो टेक्नोलॉजी अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, इवन कोविड-19 के टाइम, जून की बात कर रहा हूँ, जून में हमारे यहीं के वैज्ञानिकों ने ऐसी नैनो सतह तैयार की थी टाइटेनियम ऑक्साइड से, जिस पर बैठते ही बैक्टीरिया मर जाएगा। कितना अच्छा है, ऐसी सरफेस जिस पर अगर बैक्टीरिया बैठेगा तो बैक्टीरिया ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये नैनो जो टेक्नोलॉजी है, काफ़ी हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए नैनो टेक्नोलॉजी से, लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव भी है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के जो कण होते इतने छोटे छोटे होते, इतने छोटे छोटे, कितने छोटे, 1 से लगाकर 100 नैनोमीटर आकार के होते। ये इनका अध्ययन हम करते हैं नैनो प्रौद्योगिकी में। अब ये इतने छोटे कण होते, इतने छोटे, इनको मैनेज करना मुश्किल है कि आपके आसपास नैनो कण है, आप तो देख ही नहीं सकते अपनी आंखों से, आप क्या मैं भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, इतने छोटे होते, एक कोशिका से भी छोटे होते। तो जब ये इतने छोटे कण हमारे शरीर में घुस गए ना, तो जरूरी नहीं है कि कोविड-19 के जैसे नाक और मुंह को ढक कर रखो, ये तो आपकी स्किन से भी अंदर चले जाएंगे, क्या क्या ढकोगे। तो नैनो कण अगर ढंग से मैनेज नहीं किया तो ये प्रकृति में पहुंचकर पर्यावरण में, इवन पौधों के शरीर में चले जाते हैं। कॉपर ऑक्साइड्स के जो नैनो कण होते मिट्टी में होते हैं, तो पौधा वृद्धि नहीं कर पाता, इतने खतरनाक हैं ये। तो देखते हैं, चलें बात करें किस प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं, पूछा है। पर्यावरण में संचित होकर जल एवं मृदा में संचित हो सकते हैं। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना कि पर्यावरण में पहुंचकर विभिन्न जैविक अजैविक स्रोतों में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते, भाई जब पौधे में चले गए तो पौधे को खाने वाले शाकाहारी जीव में भी चले जाएंगे, फिर वहां से मांसाहारी जीव में चले जाएंगे, यानी खाद्य श्रृंखलाओं में भी जा सकते हैं। और सबसे खराब बात जो देखते हैं क्या है, थर्ड, कि मुक्त मूलक निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स। मुक्त मूलक क्या होते हैं, जिनमें लॉन पेयर वाले यानी इलेक्ट्रॉन का एकल युग्म जिनमें होता है, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, सामान्यतः दूसरी किसी रासायनिक क्रियाओं को तेजी से प्रेरित करते हैं। कार्सिनोजन यानी कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, यानी इनके निर्माण को प्रेरित करेंगे। यानी ये तीनों ही प्रकार से, तीनों ही कारण हैं जिसकी वजह से ये इतना हानिकारक हुए हैं। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन, केवल 1 व 2, केवल 3, 1 व 3, डी है 1, 2, 3। तो आप ऑप्शन में देख रहा हूँ कईयों ने डी दिया है, कईयों ने बी भी दिया है, बट कोई बात नहीं, ध्यान रखें आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 व 3, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, चलें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन लेप्रोसी क्या है। स्टोन लेप्रोसी, अब नाम भी ऐसे दिया है, देखो लेप्रोसी कहते हैं कुष्ठ रोग को, और स्टोन दिया तो मैंने पहला ही ऑप्शन वही दिया कि जानबूझकर लेप्रोसी होता है। वैसे ध्यान रखना ये चीज होती क्या है, सिलिकोसिस इसका अच्छा उदाहरण है। जब पत्थर की खानों में जो मजदूर काम करते हैं तो उनके जो पत्थर वगैरह की कटाई होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, सांस के साथ फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में टीबी जल्दी हो जाती है। लेकिन ये स्टोन लेप्रोसी नहीं है, ये क्या कहलाता है, सिलिकोसिस कहलाता है। अम्लीय वर्षा से मार्बल का नष्ट होना, एग्जैक्टली आंसर तो ये है भाई, ठीक है। लेप्रोसी से ग्रसित व्यक्ति में फेफड़ों में जो है पत्थर के समान कण, ध्यान देना ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक प्रकार का दुर्लभ पत्थर, ये भी कोई दुर्लभ पत्थर नहीं है, स्टोन वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कोई वो हीरा पन्ना थोड़ी है जो दुर्लभ पत्थर है। स्टोन लेप्रोसी सुनना, जब अम्लीय वर्षा होती है ना, तो अम्लीय वर्षा में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा ये होते हैं अम्लीय वर्षा में, एसिड रेन में। और अम्लीय वर्षा की अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच लेस देन 5.6, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। वैसे नॉर्मली बारिश का जो जल होता अम्लीय होता है, लेकिन उसकी पीएच 5.6 से ज़्यादा होती है, 5.6 से 6.5 के बीच में होती है लगभग लेकिन अगर ये पीएच अगर 5.6 से भी कम हो गई, तब इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। जिसमें क्या क्या होता है, हमने देखा नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड, और ये जल के साथ क्रिया करके ये निर्माण करते हैं नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। और जब ये अम्ल मार्बल के साथ क्रिया करता है, तो मार्बल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त कर देगा और पीछे सल्फेट और नाइट्रेट बना देता है, जिसकी वजह से जो मार्बल होता है ना, धीरे धीरे उस पर छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र बनने लगते हैं, मार्बल का डिसकलरेशन हो जाता है, मार्बल पीले रंग का दिखाई देता है। ताजमहल का पीलापन ये ही स्टोन लेप्रोसी के वजह से हो रहा है। तो ध्यान रखना, स्टोन लेप्रोसी क्या है कि अम्लीय वर्षा से मार्बल का नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग क्या है? ये शब्द देखो, स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक धुआं, इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं कर देंगे, और पीछे क्या आ गया, फॉग। ये फॉग वो वाला नहीं है जो हमेशा इंडिया में चलता रहता है, ये फॉग वो, उसमें FOGG होता है, ठीक है, FOGG होता है, ये फॉग है। धुआं, कोहरा जो होता है, कोहरा और जब ये धुआं मिल जाता है तो स्मॉग का निर्माण होता है। दिल्ली वाले इससे अक्सर रूबरू होते रहते हैं। क्या होता है, जब गाड़ियां वगैरह धुआं उनका वगैरह जलता है, ठीक है, तो जब ये धुआं वगैरह निकलता है, जब ऐसे जीवाश्म ईंधन जलते हैं, तो वो धुआं अगर आसपास, भाई दिल्ली की ठंड तो फेमस है, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली में जब सर्दी होती है जाकर देखना, इतना कोहरा होता है कि हाथ को हाथ नहीं दिखता वाकई में। तो उस कोहरे में जब ये धुएं के कण जाते तो बेचारे फंस जाते हैं, गति नहीं कर पाते। अगर तेज हवा चलती ना तो इधर उधर फैल जाते, लेकिन अब उस कोहरे में क्या हो गया, एक तरह से जम गए, इसे ही स्मॉग कहते हैं। स्मॉग भी कई अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने देखा था क्लासिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, इसमें सल्फर का प्रदूषण था ज्यादा। लंदन में 1952। और अगर मैं बात करूं फोटोकेमिकल स्मॉग की, स्मॉग, तो इसमें क्या था, नाइट्रोजन के प्रदूषक पदार्थ थे, नाइट्रोजन के प्रदूषक पदार्थ। और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग था, ये हमने 1950 के दशक में लॉस एंजलिस में देखा, तो इसमें हमने देखा नाइट्रोजन के प्रदूषक थे। किसमें? फोटोकेमिकल स्मॉग में। अच्छा है, ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हैं कि अगर थोड़ा सा भी पता हो ना कि क्लासिकल स्मॉग में सल्फर का प्रदूषण होता है, और सब में देख लो सल्फर सल्फर सल्फर, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सल्फर नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग में किसके प्रदूषक पदार्थ हैं? नाइट्रोजन के, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो ओतरी तो था ही, मुख्य प्रदूषक कौन थे? ये पेरोक्सीएसिल नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो कईयों ने आंसर दिया है डी, ए, सी भी दिया है काफी ने, तो हाँ, मजबूत फेफड़ों वाली दिल्ली, ठीक है। एनसीआर में बहुत है, बहुत ज्यादा, हर साल देखते हैं। अभी देखना जब पराली जलती है ना दिल्ली के आसपास, यूपी, हरियाणा और राजस्थान, 3 बड़े राज्यों की बॉर्डर लगती है, और जहाँ पर जब दिवाली के आसपास जब वो खेती करते हैं, कटाई कर दी फसल की, कचरा बचावा जो पराली कहते हैं जिसे, वो पराली जलाते हैं। दिल्ली में खुद में इतने ज़्यादा व्हीकल्स है, इतनी ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ हैं, धुआं खूब निकलता है, वो पराली ने मिलकर क्या कर दिया, आग में घी का काम कर दिया। तो अब ये धुआं ज़्यादा हो गया, और दिल्ली में मैंने कहा ना सर्दी में इतना जो कोहरा पड़ता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, धुआं प्लस कोहरा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की पर्यावरण एवं पारिस्थितिक परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, जनरल साइंस में एसीएफ के जो फर्स्ट पेपर में ये आपके टॉपिक है। बाकी बात करेंगे हम और लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे क्लासेस में, क्वेश्चंस आंसर की फॉर्मेट में लगातार हम टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।